आप देख रहे हैं न्यूट्रेला फूड तक, मैं हूं सबा काजी और आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूट्रेला सोया पफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मैदा, इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और बेकिंग पाउडर। पानी ऐड करते ही हम इसे एक आटे के फॉर्म में नीड करेंगे, क्योंकि जो हमारा पफ बन रहा है ये इसका आउटर लेयर होगा। सबसे पहले हम इस मैदे के मिक्सचर को गूंदेंगे, क्योंकि जैसे ये डो फॉर्म में रेडी हो जाएगा इसे हमें 30 मिनट्स तक रखना है। ये मैदे का डो जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन इसे हमें 30 मिनट्स के लिए साइड में रखना है और इस वक्त को हमें इस चीज़ में यूटिलाइज करना है कि जो पफ का फिलिंग होगा उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं लूँगी न्यूट्रेला का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे चॉप्ड जिंजर, और जैसे ही अदरक की महक आने लगे और हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि ये थोड़ा भुन चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे हमारे सारे वेजिटेबल्स। यहाँ पर मेरे पास है फाइनली चॉप्ड गाजर, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम, हाफ बॉइल्ड कॉर्न्स। इन सब्जियों को पहले हमें अच्छे से स्टर फ्राई करना है। इस वक्त हम ऐड करेंगे हमारे सारे स्पाइसेस, जिसमें है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ऑरेगानो जिसमें हमने हल्की सी चिली फ्लेक्स को भी क्रश करके इस्तेमाल किया है, इसे भी बिल्कुल 30 सेकंड्स के लिए सॉटे करेंगे। इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे टमेटो केचप और इसे भी इन सब्जियों के साथ अच्छे से सॉटे करेंगे। अब सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है इस पफ की फिलिंग का वो है न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया ग्रैन्यूल्स, वो हम इसमें ऐड करेंगे। न्यूट्रेला के सोया ग्रैन्यूल्स जो है बिल्कुल रिच इन प्रोटीन है और ये फैट फ्री भी माने जाते हैं, तो इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। यहाँ पर तो हम पफ्स बना रहे हैं जिन्हें हम डीप फ्राई करने वाले हैं, लेकिन इतना तो इत्मीनान रहेगा कि इसमें कुछ हेल्दी जा रहा है, भले ही वो सोया ग्रैन्यूल्स हो। हमारे सोया पफ का जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे हमें एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए ठंडा होने रखना है, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम सोया पफ के आउटर लेयर की तैयारी करते हैं। जो मैदे का डो मैंने नीड किया था उसे हम छोटी छोटी रोटियों में बेलकर उसे पफ के एक्सटीरियर के लिए तैयार करेंगे। आटे को हमें गोल गोल पेड़े की शेप में मोल्ड करना है, और जैसे बिल्कुल हम रोटियां घर में बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इन्हें भी हमें बेलना है। जैसे ही आपकी रोटी बेलकर मीडियम साइज में आ जाए उसे ऐसे बीच में हम प्लेस करेंगे। बीच में प्लेस करते ही इसमें हल्का सा हम चीज़ ग्रेट करेंगे और इसे ऐसे, और हम इसे ऐसे इस तरह हर साइड से लॉक कर देंगे इस तरह। इस वक्त हम एक फोक का इस्तेमाल करते हुए यू इस पे एक डिज़ाइन फॉर्म प्लेस करेंगे। फोक की टिप को आपको हल्का सा यहाँ पर प्लेस करना है। गौर कीजिएगा, दोनों तरफ से आपको ये डिज़ाइन जो है इस पर करनी है। सोया पफ की तैयारी तो हो गई है, अब इन्हें करना है डीप फ्राई, और डीप फ्राई के लिए मैं लूँगी न्यूट्रेला का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब ये सोया पफ्स जो है हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम निकालेंगे और बाकी के सोया पफ्स को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। सोया पफ्स तैयार है हमारे, चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप इसे सॉस
साल्सा सॉस या रेगुलर टमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और बताइएगा हमें कि कैसे बनी ये रेसिपी। न्यूट्रेला फूड तक को यूँ ही देखते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।